प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आज मैं वर्ग षष्ठम अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द और इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द का रूप पुनरावृत्ति कराऊंगा। आप इसे सावधानी पूर्वक सुनेंगे। अकारांत पुल्लिंग बालक, प्रथमा विभक्ति एकवचनम बालकः, द्विवचनम बालकौ, बहुवचनम बालका। द्वितीया विभक्ति एकवचनम बालकम, द्विवचनम बालकौ, बहुवचनम बालकान। तृतीया विभक्ति एकवचनम बालकेन, द्विवचनम बालकाभ्याम, बहुवचनम बालकः। चतुर्थी विभक्ति एकवचनम बालकाय, द्विवचनम बालकाभ्याम, बहुवचनम बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति एकवचनम बालकात, द्विवचनम बालकाभ्याम, बहुवचनम बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति एकवचनम बालकस्य, द्विवचनम बालकयो, बहुवचनम बालकानाम। सप्तमी विभक्ति एकवचनम बालके, द्विवचनम बालकयो, बहुवचनम बालकेषु। संबोधन एकवचनम बालक, हे बालक, द्विवचनम हे बालकौ, बहुवचनम हे बालका। अब बालक शब्द का रूप अकारांत पुल्लिंग में इस प्रकार हुआ। बालक, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम मुनि, द्विवचनम मुनि, बहुवचनम मुनय। द्वितीया विभक्ति एकवचनम मुनीम, द्विवचनम मुनि, बहुवचनम मुनीन। तृतीया विभक्ति एकवचनम मुनिना, द्विवचनम मुनिभ्याम, बहुवचनम मुनिभि। चतुर्थी विभक्ति एकवचनम मुनये, द्विवचनम मुनिभ्याम, बहुवचनम मुनिभ्य। पंचमी विभक्ति एकवचनम मुने, द्विवचनम मुनिभ्याम, बहुवचनम मुनिभ्य।
खष्टी भक्ति, एक वचनम मुने, द्विवचनम मुनयो, बहुवचनम मुनिनाम। सप्तमी भक्ति, एक वचनम मुनो, द्विवचनम मुनयो, बहुवचनम मुनिषु। संबोधनम हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। इकारांत पुलिंग मुनि शब्द का रूप इस प्रकार हुआ, मुनि मुनि मुनय, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनयो मुनिनाम, मुनो मुनयो मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनिय। प्रिय विद्यार्थियों, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द और इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द का रूप आप ठीक से स्मरण करेंगे और इसे नोट्स कॉपी में लिखेंगे। नोट्स कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे नंबर पर पोस्ट करेंगे ताकि मैं उसका करेक्शन कर सकूं। ये दोनों शब्द रूप आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है, इसे आप ठीक प्रकार से अच्छी तरह से स्मरण करेंगे ताकि परीक्षा में आप शुद्ध शुद्ध लिख सके। इति